A very, very gracious welcome to the enlightened youth of this country. मैं अनम अहमद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पेंसिल बॉक्स एजुकेशन आप सभी का स्वागत करती हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में. आज है 13th October 2018. So what are we waiting for? Here we go. So I have this brief little information about who I am. मैं कहाँ को आती हूँ, कहाँ को जाती हूँ. You might just give it a check. This will remain the pattern of our discussion, starting with an amazing, inspiring quote and ending on a map practice question. So आज हमारा थोड़ा सा कोर्ट से अलग डिस्कशन है कि आप इस लेक्चर सीरीज़ को आप इस पूरे के पूरे इनिशिएटिव से कैसे और ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं, इसका सबसे मैक्सिमम लाभ उठा सकते हैं. तो सबसे पहले जब ये न्यूज़पेपर डिस्कशन की वीडियो अपलोड किया करें तो आप सबसे पहले डिस्कशन सुना करें, तो दैट कैन लाइक कॉस्ट यू अराउंड 40 मिनट्स. उसके बाद आप PDF का जो मैं अपडेट करती हूँ टेलीग्राम पे, फेसबुक पेज पे, जहाँ से भी आप लेने में कंफर्टेबल है, आप उसको रिवाइज करिए फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स. आप उसको बैठ करके रीड करिए और ट्राई टू रिमेंबर इट, ट्राई टू रिकॉल ऑल द डिस्कशंस दैट वी हैव, दैट वी जस्ट हैड. फिर आप बैकग्राउंड एनालिसिस से उसको एडिट करिए. दैट विल अगेन कॉस्ट यू अराउंड 30 to 40 मिनट्स अकॉर्डिंग टू योर एक्सपर्टीज, या फिर आपको हो सकता है कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड हो या ऑलरेडी पता हो, तो लाइक मिनिमम 30 मिनट्स इट विल कॉस्ट यू. फिर आप इन सब का जितना ऊपर हुआ है उन सब का आप एक बार टोटल रिविजन करिए. फिर आप जाइए MCQ वीडियो जो कि मैं डेली अपलोड करती हूँ, फिर ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चन, और फिर उन क्वेश्चन में से जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड एनालिसिस करके उसके बारे में 5 से 7 ज़रूरी चीज़ें जान करके आप उसको और अच्छे से अपनी नॉलेज का जो बेस और इंक्रीज कर सकते हैं. उसके भी आप शॉर्ट नोट्स टाइप से बना सकते हैं, हैव लूज पेजेस मेंटेन, डेट वाइज आप ये क्वेश्चन का एक छोटा सा छोटे छोटे आप एडिट कर सकते हैं, यू कैन डू दैट. तो दिस कैन लाइक कॉस्ट यू टोटल अगर हम देखें तो ये आपको दो से तीन या फिर 2 से 2.5 घंटे का ये पूरा, ये 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा, ये 2 घंटा, मतलब 2 से 3 घंटे का ये पूरा का पूरा अफेयर्स है, जिसमें आपका करंट अफेयर्स एक अच्छे लेवल पे क्रिएट हो जाएगा. डेली आप अगर इतना लेबर करेंगे तो करंट अफेयर्स इज समथिंग जिसमें आपको मास्टरी हो जाएगी. प्लस आई एम थिंकिंग टू पब्लिश मंथली समराइजेशन ऑफ ऑल द न्यूज़ जो कि हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन, डिफेंस एंड ऑल दैट. तो उसमें स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक एंड डिफेंस विल बी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डे टू डे इन द न्यूज़पेपर दीज 3 सेक्टर्स आर नॉट दैट मच कवर्ड. पूरे न्यूज़पेपर में पॉलिटिकल अपडेट्स और इंटरनेशनल रिलेशन अपडेट्स और आई कैन से थोड़ा बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल न्यूज़ नहीं होती, एंड एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी इज समथिंग जो कि लैक करता है. इवन गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह मैं देख रही हूँ कि न्यूज़पेपर में इतने अच्छे से कवर नहीं हो रही है. तो आई विल बी मेकिंग मंथली समराइजेशन, तो आप उसको ये सब डेली लेबर के बाद उसको आप क्लब कर सकते हैं एक दिन संडे को बैठ के, सैटरडे को बैठ के, वेन एवर आई स्टार्ट पब्लिशिंग दीज वीडियोज. तो ये आपको काफ़ी अच्छा सा बेनिफिट देगा, क्योंकि आप जानते हैं करंट अफेयर्स का क्या इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस है. आज के टाइम में 100 क्वेश्चन में से कम 60 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होते हैं. बाकी के जो 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जा भी रहे हैं GS में, वो भी इतने स्टैटिक नहीं होते, वो भी करंट अफेयर्स से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं. न्यूज़ में वो चीज़ें डेवलप्ड रहती हैं इतनी ज़्यादा, तभी वो GS से भी पूछी जाती है. तो करंट अफेयर्स इज समथिंग जो कि आपका 80% ऑफ द लेबर है, 80% ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग है. चाहे आप मेंस ले लीजिए, आप SA के क्वेश्चन ले लीजिए, आप प्रीलिम्स ले लीजिए, आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, इवन PCS वगैरह, दे आर इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ करंट अफेयर्स. आई मीन गॉन आर दोज डेज जब हम अकबर बीरबल पे क्वेश्चंस पूछा करते थे. तो जब इंक्रीजिंग डिमांड है तो हमें अपना थोड़ा सा पैराडाइम शिफ्ट, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी में चेंजेस लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज हाउ यू गोइंग टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम अस. एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू ऑल. 1000 सब्सक्राइबर्स पेंसिल बॉक्स एजुकेशन के हो गए और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है. कल मैंने पोस्ट भी करा था, आपका समर्थन मिलता है, प्यार मिलता है, अफेक्शन मिलता है, आई फील रियली रियली हैप्पी. और ये है फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन है, इसको प्लीज ज्वाइन करेगा, क्योंकि मैं बहुत सारा अपडेट्स वहां पर देती रहती हूँ. एंड यू वी कैन ऑल शेयर अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस ऑफ अ फैमिली. लेट अस ऑल बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली. तो लेट अस सी व्हाट कपल ऑफ एडिटोरियल्स वी हैव फॉर अस टुडे. तो पहला है NRC डेटा के ऊपर, वहां पर असम में तो ऑलरेडी हो रहा था, अब त्रिपुरा में होने की बात हो रही है, तो वील बी फोकसिंग अपॉन इट. ये वाला आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ ब्राजील, इट इज नॉट समथिंग जिस पे
हमें इतना फोकस करना चाहिए, बट हाँ कुछ इसका मैप हम देखेंगे तो दैट इज़ द ओनली थिंग वी विल फोकस. यहाँ पर बात हो रही है, अभी लेटेस्ट एक रैंकिंग, ग्लोबल रैंकिंग वगैरह पब्लिश करी गई है इंस्टीट्यूशंस की, यूनिवर्सिटीज़ की, जिसमें हमारा जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बैंगलोर में जो स्थित जो वहाँ पर जो एस्टैब्लिश्ड है उसको टॉप 100 में उसकी रैंकिंग आई है. तो उसके बैकग्राउंड में कुछ बात करी गई, विल बी फोकसिंग अपॉन इट. यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी अगेंस्ट डॉलर पे बात हुई है, $75 पे हमारी करेंसी अभी जाकर के रुकी है, जो कि अराउंड 60s में इंजॉय करती थी अपना लेवल, तो विल बी फोकसिंग अपॉन इट. ग्राउंड जीरो आता है सैटरडे को, जहाँ पर होती है केस स्टडी पे कुछ चर्चा. तो केस स्टडी पे आज है एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लान और कैनाल इरिगेशन एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग, तो विल बी फोकसिंग अ डर्टी रियलिटी जो कि कोलार डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में पाई गई थी और कोलार डिस्ट्रिक्ट में इसका जो है पूरा का पूरा कवरेज हुआ है. तो चलिए शुभारंभ करते हैं अपनी इस खूबसूरत दिन की शुरुआत का अपने पहले आर्टिकल से. बाय एक्सटेंशन दैट मींस नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स फॉर असम, जो कि ऑलरेडी असम में हो रहा था एक साल से, वो डेटा निकाल रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, बहुत सारी NRC डेटा रोल्स निकल के आ रही हैं जिसमें बहुत सारे लोगों का नाम इससे इवेडेड है, इससे एक्सक्लूडेड है, उनका फेट पे अभी तक गवर्नमेंट कोई भी यू नो एक्सप्लेनेटरी पॉइंटर्स नहीं दे पा रही है. तो उस बैकग्राउंड में अब कहा जा रहा है PILs एंड पेटिशंस वर फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट कि आप इंटरवीन करिए और ऐसी चीजें त्रिपुरा में भी लेकर आइए, जो कि बहुत ज्यादा हाइटेंड लेवल पे त्रिपुरा में भी ये प्रॉब्लम है, विच इज अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वन ऑफ द 7 सिस्टर स्टेट ऑफ आर नॉर्थ ईस्ट. तो त्रिपुरा इज दैट, और प्लस त्रिपुरा इज अ स्टेट जो कि मैक्सिमम बॉर्डर बांग्लादेश से शेयर करता है एंड थोड़ा सा ही बॉर्डर इंडिया से शेयर करता है. तो आप समझ लीजिए ऐसा लैंड लॉक्ड स्टेट है जो कि जिसका मैक्सिमम बॉर्डर बांग्लादेश देश से लगता है. तो बहुत ज्यादा इनफिल्ट्रेटर्स माइग्रेंट्स बांग्लादेश से उठ करके त्रिपुरा में आकर के फॉर द बेटर लाइफ, फॉर बेटर फैसिलिटीज या फिर फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज या फिर किसी भी कारण से उनको त्रिपुरा फैसिनेटिंग लगा और आकर के वहां बस गए और अब काफी साल से इंडिपेंडेंस से, जब आप समझ लीजिए जब ये ईस्ट पाकिस्तान था बांग्लादेश, तो ये कहा जा रहा है कि जब वो ईस्ट पाकिस्तान था तब के जमाने से यहां पर इनफिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम रही है और जब वो बांग्लादेश बन गया 1970 अराउंड तब से तब और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद भी प्रॉब्लम्स ये बढ़ती आई है. तो जब असम में हो रहा है तो हमारी भी मदद करिए. अंडर 1993 ट्रिपार्टाइट अकॉर्ड, जैसे असम अकॉर्ड था जहां पर गवर्नमेंट ने वहां के अपराइजिंग पीपल से ये प्रॉमिस करा था कि हम डेटा निकालेंगे और स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे इलीगल माइग्रेंट्स के अगेंस्ट, वो माइग्रेंट्स जो कि बांग्लादेश से इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके ऐसे स्टेट्स में आकर के एस्टैब्लिश हुए हैं एंड दे डू नॉट हैव वैलिड डॉक्यूमेंट की उनको परमिशन भी दी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बॉर्डर क्रॉस करने के लिए, या फिर टेम्पररी परमिशन दी थी और अभी तक उनकी घर वापसी नहीं हुई है और वो 30 से 40 से 50 साल हो गए, अब उनको जनरेशन पर जनरेशन पैदा हो गई है उनकी हमारे जो है हिंदुस्तान की धरती पर. तो That's what it is. I mean, यहाँ पर tribals कह रहे हैं कि already we are having a lot of stress कि हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से manage नहीं कर पाते, limited resources है, limited opportunities है, हमारे खुद के लिए हमारी खुद की land जो है ना काफ़ी नहीं पड़ती. वहाँ पर आकर के बांग्लादेशी जो migrants हैं आकर के हमारी land हथिया लेते हैं, हमारे jobs हथिया लेते हैं, हमारी opportunities जो कि already हमारे लिए ही कम है आकर के यहाँ पर cheap labor वगैरह provide करके दिहाड़ी वगैरह कर करके, मतलब job में भी बहुत ज़्यादा competition उन्होंने कर दिया है. तो वहां पर एक तो ट्राइबल कल्चर इज वेरी डिफरेंट, प्लस देयर इज अ लॉट ऑफ एनिमिटी बिटवीन द लोकल ट्राइबल्स एंड द बांग्लादेशी माइग्रेंट्स, आई मीन बांग्लादेशी स्पीकिंग कम्युनिटी एंड द लोकल ट्राइबल कल्चर. तो उनमें भी बहुत ज्यादा एनिमिटी है, उनमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, रेसिज्म हो जाए, कुछ भी किसी भी टाइप की फीलिंग है. तो दीज टू पार्टीज आर रियली नॉट कंफर्टेबल व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेट ऑफ असम और त्रिपुरा. सो दैट्स व्हाट एक्सटर्नल एग्रेशन हैज बीन blamed for it and influx बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं अभी, plus tribal people into a minority in their own native land is a feeling which they share and that's what all Tripura tribal force has been trying to negotiate it with the government कि आपने जो ये एक deadline रखी है कि after March 25th 1971 जो इंडिया में आया है border cross करके उसको हम illegal migrant करार दे देंगे and उनके पास अगर valid documentations नहीं है तो उनको
हम डिपोर्ट कर देंगे, और उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करने का कोई मतलब ही नहीं मिलता। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो 1971 मार्च का जो ये मार्जिन रखा है आपने, ये जो एक पॉइंट रखा है कि इसके पहले और इसके बाद वाला, तो ये वाला पॉइंट आप थोड़ा सा रिवाइज करके जुलाई 1949 करें, तब आप समझ लीजिए अगर और पहले ये डेट शिफ्ट कर गई और पहले ये मार्जिन शिफ्ट कर गया तो और ज़्यादा लोग आ जाएंगे इसके चंगुल में, कि और ज़्यादा लोगों पर कार्रवाई होगी। तो आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जुलाई 1949 शुड बी केप्ट एज द मार्जिन टू एक्चुअली यू नो अबाउट और फैसिलिटेट और डिस्टिंग्विश बिटवीन अपने पीपल, पराए पीपल, लीगल माइग्रेंट्स, नॉन इलीगल माइग्रेंट्स, इंडियन, बांग्लादेशी। तो ये सारे पे विवाद चले, जैसे कि मैंने पुराने आर्टिकल्स एंड न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स पुराने दिनों में भी हम डिस्कस करते हुए चले आ रहे कि कैसे एलिनेशन फीलिंग है हमारे अंदर, कैसे एक माइग्रेटेड पीपल के अगेंस्ट इतना ज़्यादा हमारे अंदर क्रोध है, उनके अगेंस्ट हमारे अंदर इल फीलिंग्स है, क्योंकि वैसे ऑलरेडी द वर्ल्ड इज़ वेरी स्केयर्स ऑफ रिसोर्सेज, स्केयर्स ऑफ जॉब एम्प्लॉयमेंट, स्केयर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ऑलरेडी वी आर कम्पीटिंग, ऑलरेडी हम इनको लेकर के एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हम मेंटेन करके चल रहे हैं। अब आप समझ लीजिए आधे लोग नेपाल के उठ के आ गए, पाकिस्तान के उठ के आ गए, एंड बांग्लादेश के उठ के आ गए, श्रीलंका के उठ के आ गए, तो ऑलरेडी हमारे खुद के लोगों के लिए यहाँ पर जॉब्स एंड रिसोर्सेज की कमी है, हम ऑलरेडी कम्पीट कर रहे हैं आपस में, आसपास के देशों से उठ करके और लोग आ जाएंगे, वो भी कम्पीट करने लगेंगे, तो हमें गुस्सा नहीं आएगा कि हमारे लिए ये एक रोटी कम पड़ रही थी अपना पेट भरने के लिए और हमें इसको शेयर करना है दूसरे लोगों के लिए, दूसरे लोगों के साथ भी। तो दैट्स वाई ज़ीनोफोबिक एक फीलिंग जो कि पूरे दुनिया में इसकी हवा चली है कि दे आर वेरी मच स्केप्टिकल, दे आर वेरी मच मतलब आउटरेजियस टू द फॉरन पीपल जो कि आकर के उनकी लैंड पर सेटल हो रहे, उनका कंपटीशन बढ़ा रहे, चाहे वो पूरी की पूरी प्रॉब्लम हो यूरोप की या फिर इंडिया में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की। तो यहाँ पर त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जैसी चीज़ों का भी उद्घाटन हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, ये सारे बैकग्राउंड में। तो एनआरसी इज समथिंग विच त्रिपुरा इज ऑल्सो वॉन्टिंग कि उसके स्टेट में हो, ताकि कोई बीच का रास्ता निकल पाए, उनके लोगों को राहत मिल पाए। तो यहाँ पर ये भी आर्टिकल राइटर कह रहे कि ये न्यू फॉल्टी लाइन्स क्रिएट कर देगा, क्योंकि एक काफ़ी सालों से कोशिश की जा रही थी रिकनसाइलेशन बिटवीन बांग्ला स्पीकिंग एंड ट्राइबल पीपल ऑफ त्रिपुरा एंड द नॉर्थ ईस्ट, उनके बीच में अभी भाईचारा का यू नो फीलिंग हमने बढ़ाया या फिर किसी सूरत से वो उस पूरे एरिया में सेटल हुए थे, तब आप उठा करके उनको एक दो जनरेशन ऑलरेडी हो गया है उनको यहाँ पर रहते हुए, तो कैसे एकदम से उठा करके आप उनको हमारे कंट्री से बाहर कर देंगे। क्योंकि अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरे मम्मी पापा उठ करके बांग्लादेश से आए, बट मैं तो हिंदुस्तान में पैदा हुई, बली बड़ी, और मैं अभी शादी करके मेरा भी एक बच्चा हो गया, तो इतना साल हो गया, मेरा बच्चा भी बड़ा होने को आ रहा है, अब हमें उठा करके बांग्लादेश आप भेज दोगे? तो ये पूरा का पूरा मतलब इतनी ज्यादा जनरेशन से जो लोग रह रहे हैं ऑलरेडी वो जो वहाँ एक एरिया का एक पार्ट बन गए हैं, तो ये कैसे ये चीज़ें होने वाली हैं, इसमें ह्यूमन राइट्स का भी हनन ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो और किसी को भी हानि ना हो, तो ये सब करके हम मतलब ये सब का ध्यान रखते हुए हम ये चीज़ें कैसे डेवलप करेंगे, कैसे पुट फॉरवर्ड करेंगे, तो ये आने वाला टाइम ही बताएगा, क्योंकि असम में तो ऑलरेडी द प्रॉब्लम इज़ वेरी इंटेंस। तो ये है स्टेट ऑफ असम, जिसका बॉर्डर आप देख सकते हैं भूटान से लगता है, अरुणाचल प्रदेश से काफ़ी लंबा बॉर्डर लग रहा है, नागालैंड से लग रहा है, देन वी हैव मणिपुर, देन वी हैव मिजोरम, एंड देन ये यहाँ पर स्टेट है त्रिपुरा। आप देख सकते हैं त्रिपुरा का जो स्टेट का जो बॉर्डर है सिर्फ इतना सा हमारी कंट्री से लग रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द बॉर्डर ये बांग्लादेश और बांग्लादेश से लग रहा है, ठीक है। तो ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है यहाँ पर कि ऑफकोर्स बांग्लादेश से जो आसपास के लोग हैं यहाँ पर ट्रेड एंड कॉपर, सस्ता बिजनेस करने के लिए, चीप लेबर प्रोवाइड करने के लिए इनफिल्ट्रेटर्स की तरह यहाँ पर पहुँच जाते और फिर यहाँ के लोगों में बहुत प्रॉब्लम हो रही। प्लस नॉर्थ ईस्ट की जहां पर बात हो रही, तो मैं आपसे ये मेरे तरफ से पुट फॉरवर्ड करे हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए, जो कि आप आंसर राइटिंग वगैरह में यूज कर सकते हैं, प्लस इनसाइट भी डेवलप कर सकते हैं कि क्यों नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन हमसे इतना एलिनेटेड रहता है, अलग अलग रहता है, और उसको हमें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कैसे इंडल्ज करना चाहिए। सबसे पहले तो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स में इन लोग बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, पीछे हैं, और वहां के प्रशासन सेंटर मतलब केंद्र सरकार भी इनके अपलिफ्टमेंट और एग्रीकल्चरल
एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को पूरी अच्छे तरीके से रेगुलेट करने के लिए कोई इंपॉर्टेंट मेजर्स नहीं लेते हैं. ग्रीन रेवोल्यूशन जहाँ की हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स बहुत ज़्यादा एक बेनिफिट उन्होंने लाभ उठाया था, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ था जब हमने फार्मर्स को सब्सिडीज प्रोवाइड करा था, HYV सीड्स प्रोवाइड करा था और वहाँ की जो ज़मीन थी बहुत ज़्यादा आउटपुट दे रही थी और उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया. तो रिच फार्मर्स है, एजुकेटेड फार्मर्स है. वेन वी कम टू पंजाब, हरियाणा, यूपी, तो द फार्मर्स एंड देयर क्वालिटी एंड द लाइफ स्टाइल इज स्टिल बेटर देन द पीपल हु आर रिसाइडिंग इन असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड ऑल ऑफ दैट. तो ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्थ ईस्ट में कभी आया ही नहीं, जबकि हम एग्रीकल्चरल पैटर्न देखें तो नॉर्थ ईस्ट की सॉइल हो या फिर रेनफॉल हो, राइस का उत्पादन हो या शुगर केन जूट हो, ये सारी चीज़ें नॉर्थ ईस्ट में बहुत हैवी पोटेंशियल है, बट स्टिल इस पोटेंशियल को कभी हमने रियलाइज नहीं करा. तभी तो वहाँ के लोकल लोगों में बहुत ज़्यादा एनिमिटी है, आक्रोश है, क्रोध है. एक तो गवर्नमेंट कुछ उनको अपलिफ्टमेंट नहीं कर पाई, उनको सेफ गार्ड नहीं कर पाई, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर पाई, प्लस इन्फिल्ट्रेटर प्रॉब्लम, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस पूरे के पूरे एरिया में. प्लस लैंड रिफॉर्म्स, लैंड सीलिंग एक्ट्स वगैरह जो कि नॉर्दर्न स्टेट्स, सदर्न स्टेट्स में फिर भी इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आया, अगेन वो फेल हो गया व्हेन वी क्रॉस द सिलीगुड़ी कॉरिडोर विच इज़ लाइक हियर. स्मॉल चिकन नेक कॉरिडोर को जब हम क्रॉस करके नॉर्थ ईस्ट के पूरे माहौल में जाते हैं तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन होता ही नहीं है. तो लैंड सीलिंग एक्ट के तहत जहाँ पर हमने लैंड होल्डिंग्स और लैंड जो है टेंडेंसी पर हमने बात करी थी, तो ये सारी चीज़ें नॉर्थ ईस्ट में कभी पहुँची नहीं. तो आज भी वहाँ पर कुछ लोग जो है लैंड लॉर्ड्स के तहत एक्सप्लॉयट होते हैं, दिहाड़ी कर रहे हैं, उनको लैंड में राइट्स नहीं है. मे बी सालों साल से वो अपनी ही लैंड पर जो है एग्रीकल्चर वगैरह कर रहे हैं, बट अभी भी साहूकार को, लैंड लॉर्ड्स को वो कुछ ना कुछ परसेंटेज उनको दे रहे हैं अपने आउटपुट का, अपने अर्निंग्स का. तो ये सारी चीज़ें आज भी वहाँ पर चल रही, जिसकी वजह से वहाँ के फार्मर्स अगेन बहुत ही वर्सन कंडीशन में है. टूरिज्म पोटेंशियल इतना ज़्यादा है इन स्टेट्स का, खूबसूरत है, इमेंसली ब्यूटिफुल, अरुणाचल प्रदेश हो, असम हो, मेघालय हो, इफ़ यू वेन एवर वी वॉन्ट टू मेक अ प्लान, वी आर ऑलवेज मेकिंग अप अ प्लान टू गो टू शिमला, मनाली, जम्मू एंड कश्मीर और सम गोवा, मुंबई और पुदुचेरी और चेन्नई, ये सारे का प्लान हमारा बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है. बट वंस यू एक्चुअली गो एंड विजिट नॉर्थ ईस्ट, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई लिस्ट और मेरी बकेट लिस्ट में ये हमेशा रहेगा दैट आई रियली वॉन्ट टू गो टू नॉर्थ ईस्ट. तो नॉर्थ ईस्ट का जो है टूरिज्म पोटेंशियल बहुत है, ब्यूटिफुली रिच, दे हैव द लैंडस्केप्स, चाहे वो टी गार्डन्स हो, फ्रूट कल्टिवेशन हो या फिर राइस फील्ड्स हो, ब्यूटिफुल जूट कल्टिवेशन हो, दे आर इमेंसली हैविंग हाई डिग्री ऑफ पोटेंशियल. तो वो भी अभी तक रियलाइज नहीं करा गया है कि उसको थोड़ा सा फैसिलिटेट करें एंड ऑल ऑफ दैट. हॉस्टाइल ट्राइबल्स ऑफकोर्स ये ऊपर रीजन ही उतने ज्यादा है कि हॉस्टिलिटी इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आधे टाइम जो है वहां पर आर्मी वगैरह को जो है काफी ज्यादा विजिलेंट रहना पड़ता है. लैक ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी टू ब्रिंग पीस, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है. कनेक्टिविटी इज ऑल्सो वन प्रॉब्लम, क्योंकि अगेन इतना सा छोटा सा एरिया, जैसे मैंने आपको बोला कि ये चिकन्स नेक कहते हैं या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जहाँ पर उठा करके मतलब इतना सा कॉरिडोर, इतना सा नैरो स्ट्रेच ही हमारी मेन लैंड को, ये जो मेन स्टेट्स हैं उसको कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट को. तो दिस इज़ लाइक वन ऑफ मतलब सेवन सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है. व्हाट विच आर द सेवन सिस्टर स्टेट्स, पहला तो हो गया अरुणाचल, फिर हो गया दूसरा असम, तीसरा हो गया हमारा नागालैंड, चौथा हो गया मणिपुर, पांचवा हो गया मिजोरम, छठा हो गया हमारा त्रिपुरा एंड सातवां हो गया हमारा मेघालय. तो सेवन सिस्टर लैंड कहा जाता है उसको, काफ़ी हैवी पोटेंशियल है. तो यहाँ पर कनेक्टिविटी की वजह से हमने क्रॉस बॉर्डर बसेस वगैरह भी चलाई थी कि यहाँ पर वेस्ट बंगाल से, कोलकाता से उठा करके बांग्लादेश क्रॉस करके हम यहाँ पर त्रिपुरा या फिर यहाँ पर असम में ये बसेस वगैरह चलाएंगे ताकि डिस्टेंस कम हो पाए. यहाँ पर डिस्टेंस फिर भी कम है, अब यहाँ से उठा करके हम इतना लंबा जा करके हमें त्रिपुरा जाना, तो हमें इतना लंबा डिस्टेंस तय करना पड़ता. तो ये सारी चीज़ों पर भी हमने बांग्लादेश गवर्नमेंट से अभी काफ़ी ज़्यादा, प्लस यहाँ पर ये ऐसे पोर्ट्स वगैरह भी फैसिलिटेट हो रहे हैं ऐसे करके कि हम कनेक्टिविटी वगैरह भी प्रोवाइड करें उनको, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेड एंड कॉमर्स के भी हम काबिल बनाएं. एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, चाहे वो ब्रह्मपुत्र रिवर कंजर्वेशन हो, वहाँ की ग्रीनरी और फॉरेस्ट को कंजर्व करना हो, ईस्ट हिमालयन स्पीशीज़ को कंजर्व करना हो, ये सारे इकोलॉजिकल कंजर्वेशन पे भी हमने अभी तक कोई बातचीत नहीं करी है, उनको इनकरेज नहीं करा है. तो ये सारे फेलियर ऑफ इंस्टीट्यूशनल मशीनरी है, फेलियर ऑफ गवर्नमेंटल इंटरवेंशन है. अब आप बताइए वहाँ पर माइग्रेशन का प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या हम प्रॉब्लम को ही हटा दें, मतलब
लोगों को, मुझे आपसे प्रॉब्लम है तो मैं आपको हटा दूँ, मैं आपको जो है आपको जो है अपनी लाइफ से हटा दूँ. अरे प्रॉब्लम क्यों है, क्या है उसका रीज़न, क्या है, हम ऐसे कौन सा पॉलिसी प्लान ये सब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि सारी कम्युनिटी मिल बांट के आपस में रहे, तो ये सारी बात ना करके हम डिपोर्ट कर देंगे माइग्रेंट्स को. मतलब आप समझ सकते हैं ना, मतलब हम जैसे नॉर्मल लोग ये सारी थिंकिंग रख सकते हैं, प्रशासन वगैरह, आई मीन देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई मीन ग्राउंड रियलिटी पे पॉलिटिक्स भी खेला जाता है, वोट बैंक होता है क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की सरकार ये सारे प्रोमिसज़ को चुन कर प्रोमिसज करके ये सारी जो नो इलेक्शन जीत करके आई थी, तो ये सब दीज आर द यू नो वोट बैंक स्टैटिस्टिक्स वेल. तो प्लस इसका जो सबसे ज़्यादा हानि होती है, प्रॉब्लम होता है, वो एक कॉमन मैन को होता है, यू हैव नो आइडिया हाउ दे आर लिविंग इन द रिफ्यूजी कैम्प्स पर से. तो चलिए अब आगे, ब्राज़ील की इंटरनल पॉलिटिक्स वगैरह डिस्कस हुई थी, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैप आप देख लीजिए, ये है ब्राज़ील, इसमें इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन दोनों क्रॉस करता है. अमेज़न रिवर इज़ द लार्जेस्ट रिवर जो कि यहाँ पर फ्लो करती है, आप देख सकते हैं ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज ऑल्सो वेरी फेमस फॉरेस्ट. और यहाँ पर जो है नेबरिंग कंट्रीज जिससे बॉर्डर इसका टच होता है वो है वेनेजुएला, कोलंबिया एंड पेरू एंड बोलीविया, पेरेगुए, उरुग्वे, भाई बहन सिस्टर्स लगते हैं मुझे ये, प्लस अर्जेंटीना का भी जो है बॉर्डर इससे लगता है. तो यहाँ पर अटलांटिक ओशन है, ये है साउथ अटलांटिक ओशन एंड दैट्स वॉट इट इज़. तो थोड़ा सा मैप अगर हम देख लें, थोड़ा सा लोकेशन देख लें, आसपास के कंट्रीज देख लें और देखते रहें तो एक फिगर बन जाती है माइंड में, इसलिए मैंने सोचा कि डाल ही देती हूँ, कुछ स्लाइड्स भी कलरफुल हो जाती है. तो नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज टॉकिंग अबाउट रीडिंग बिटवीन द रैंकिंग्स. यहाँ पर आउट हो गया है एक एक रिपोर्ट विच इज लाइक द आई मीन दिस रिपोर्ट इज टॉकिंग अबाउट द टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड. उन्होंने टॉप यूनिवर्सिटीज को जो है बहुत सारे पैरामीटर्स पे जज करा है, इवेलुएट करा है, और उसमें टॉप 100 में हमारी खुद की यूनिवर्सिटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टॉप करती है, टॉप 100 में आई है, ऑन विच वी आर लाइक वेरी हैप्पी. एंड ऑल्सो इसके बैकग्राउंड में ये है कि यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ नॉलेज प्रोडक्शन होता है, तो ऐसी सारी चीज़ों से हमें लाइक ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए और हमें खुश भी होना चाहिए कि हमारे कुछ तो यूनिवर्सिटीज यू नो सरफेस हुई, टॉप पे आई एंड एवरीथिंग. तो यहाँ पर ये जो आई है रिपोर्ट जो आई है वो आई है टाइम्स हायर एजुकेशन्स वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग्स 2018 से. ये न्यूज़ आ रही है कि ये जो है एनुअली ये रिपोर्ट निकालते हैं, ये सर्वे करते हैं बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ का, कुछ इनके पैरामीटर्स होते हैं, तो उसमें हमारी यूनिवर्सिटी सरफेस करी. तो यहाँ पर थोड़ा सा ये भी बात हो रही है कि जब हम यूनिवर्सिटीज़ उनकी रैंकिंग्स इन सब से बात कर ही रहे हैं तो हमारी कंट्री में पोटेंशियल तो बहुत है यूनिवर्सिटीज़ को आगे करने का, क्योंकि हमारी कंट्री का सबसे ओल्डेस्ट रिचेस्ट एजुकेशन सिस्टम माना जाता है, नालंदा जैसे सेंटर्स हमारे कंट्री से पैदा हुए, तो ये सारी चीज़ें. तो हमारा एक अलग रुतबा, एक ओहदा हुआ करता था जिसको हमने मेंटेन करके नहीं चले एंड जिसकी वजह से बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ हमें सरपास करती गई, क्योंकि बाहर के बहुत सारे देशों के लोग नालंदा और जो है तक्सिला जैसी यूनिवर्सिटीज़ में आकर के ज्ञान प्राप्त करते थे, बट देन वीव लाइक लॉस्ट दैट फ्लेवर, लॉस्ट दैट रेपुटेशन ग्लोबली. तो क्या इसमें रीज़न हो सकते हैं, तो रिसर्च पे हमारी यूनिवर्सिटीज़ फोकस नहीं करती, काफ़ी ज़्यादा बुकिश हो गए हम, बुक से पढ़ो, बुक से रटो, एग्जाम में बुक में उगल दो, एक डिसेंट सी नंबर्स आ जाए एंड देन वी आर हैप्पी. कोई भी टाइप का इनोवेशन, रिसर्च, किसी भी टाइप की लेबोरेटरी वर्क या फिर कोई भी डिसिप्लिन हो, आई मीन ह्यूमैनिटीज़ हो, साइंस हो, गोइंग आउट इन द फील्ड, लर्निंग थिंग्स इन द प्रैक्टिकल वे, तो ये सारी चीज़ें अभी भी मिसिंग है. प्लस हमारे कंट्री से बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हैं बाहर एजुकेशन अटेन करने के लिए, जो ये सीन दर्शाता है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम को हम इतना केपेबल खुद ही नहीं समझते कि हम अपनी यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये दिस इज़ वेरी ट्रू. इफ अ पर्सन इज़ वेरी एम्बिशियस, चलो उसने ग्रेजुएशन कर लिया या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, एक आध डिग्री मे बी इट इज़ MBA or some MS or some any specialization, some short-term course. Even I am thinking to do some short-term course in psychology from abroad. I keep on surfing websites because if I want to learn psychology, know about psychology, there is a very narrow boundary, very less opportunity which I have in India. So, in sab ki wajah se, we have like migratory
स्किल्स टू गो अब्रॉड. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सीलेंस भी है बहुत ज़्यादा टीचर से स्टूडेंट से, तो एक्सपेक्टेशन इज़ अ गुड थिंग बट देन ग्राउंड रियलिटी अगेन से इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. क्योंकि टीचर्स पे एक बहुत ज़्यादा टीचर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए एंड लेक्चरर्स हो गए, उन पर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर है टू कंप्लाई टू वेरियस लिमिटेशंस एंड स्टैंडर्ड्स जो जिससे उनको बांध रखे हैं. एक बेड़ियाँ उन पर लगा रखी हैं, हथकंडे उन पर लगा रखे हैं और हैंडकफ्ड है वो सिस्टम में. क्योंकि एक करिकुलम HRD मिनिस्ट्री डिसाइड करता है, UGC अपने खुद के नॉर्म्स डिसाइड करता है, आपको किस बच्चे को कैसे इवैल्यूएट करना है, कितने नंबर देना है, साल में कितनी क्लासेस लेना है, कितने घंटे देना है. फिर आपका यही दायरा है, इसी बुक से इसी तरीके से इतना ही पोर्शन पढ़ाना है. सेमेस्टर सिस्टम जो कि यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया था और एनुअल सिस्टम हटा दिया था इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, तो ये एक अलग प्रॉब्लम लेकर आया. क्योंकि तीन तीन चार चार महीने के छोटे छोटे सेमेस्टर्स हैं तो उसमें इतना सारा कोर्स कवर नहीं हो पाता. फिर हम एग्जाम फोकस हो जाते कि ठीक है जितना एग्जाम में आएगा उतने पढ़ ले. तो यूनिवर्सिटी इज समथिंग जहाँ पर हमारा और ब्रॉड होराइजन होना चाहिए, हम स्कूल से बाहर निकल के कोई अच्छी चीज़ सीखने के लिए. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अभी भी हमारी लैकिंग है क्योंकि ऑटोनॉमी नहीं है टीचर्स को, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है टीचर्स को, प्लस हमारी कंट्री में टीचिंग प्रोफेशन इतना डिग्रेडेड है, इतना डिसरिस्पेक्टफुल है. आई मीन क्या करते हो, टीचर कुछ नहीं कर पाए टीचर बन गए, ये नहीं कर पाए टीचर बन गए. टीचिंग इज द ओनली प्रोफेशन जिसमें रिसेशन नहीं है क्योंकि अब बच्चे पढ़ के बाहर आ रहे हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रही, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, चलो वो टीचर ही बन गए, बीएड कर लिया, एमएड कर लिया, यूजीसी नेट क्लियर कर पाए नहीं कर पाए, ठीक है, नहीं तो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन कर लिया, एनी सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है. तो फिर टीचिंग एज अ प्रोफेशन में भी हम अच्छे लोग, इनोवेटिव लोग, जो जेन्युइन पीपल एज टीचर्स, दे आर बॉन्ड टीचर्स, उनको हम अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं. तो आई मीन थोड़ा सा पैराडाइम शिफ्ट इन द सेंस ऑफ थिंकिंग एंड पर्सपेक्टिव भी हमें लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई मीन ये सारी चीजें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं. तो नालंदा एंड तक्षशिला वर द एंशंट ओल्ड रिच यूनिवर्सिटीज़ जो कि सेंटर ऑफ लर्निंग हुआ करता था. डाइवर्स टॉपिक पे बहुत सारे विज्ञान लोग, हैवी इन नॉलेज लोग आकर के वहाँ पढ़ाया करते थे. लोग दूर दूर से, रूस से, मिडल ईस्ट से, चाइना से एंड आसपास की कंट्री से उठ करके यहाँ पर आते थे और रेजिडेंशियल कॉलेज हुआ करते थे. तो एक सेंटर ऑफ लर्निंग हुआ करता था. आई मीन इंडिया ने हमेशा वो ओहदा, वो लेवल हमेशा इंजॉय किया है. तो जब तक बात हो रही है यूजीसी की, तो यहाँ पर यूजीसी का थोड़ा सा ये है कि इसका हेडक्वार्टर यहाँ है दिल्ली में. फॉर्मेशन 1956 पे हुआ था. अभी इनके चेयरमैन डीपी सिंह है और इनका एफिलिएशन है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ HRD से, ठीक है. तो यहाँ पर यूजीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो बनी है यूजीसी एक्ट 1950 के तहत और यह आती है मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंदर और वो स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती है हमारे कंट्री में हायर एजुकेशन का. दैट इज आफ्टर योर कॉलेज जो अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD कोर्सेज वगैरह है उसको रेगुलेट करता है UGC, हायर एजुकेशन को रेगुलेट करता है. इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, बट इसके रीजनल सेंटर्स भी 6 हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए. MCQ में क्या पता कब कहां कैसे ये चीजें पूछ ली जाए तो हमें कुछ पता नहीं. पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी, बैंगलोर में इसके रीजनल सेंटर्स हैं. यहां पर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जो कि एक लिस्ट अभी HRD मिनिस्ट्री में कुछ महीने पहले जारी की थी, तो यहां पर हमने 6 इंस्टीट्यूशंस को जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का टैग दिया था, ठीक है. तो ये 6 इंस्टीट्यूशंस कौन है, 3 पब्लिक एंड 3 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थे. पब्लिक इंस्टीट्यूशन में वी हैड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बैंगलोर एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई एंड IIT दिल्ली और प्राइवेट सेक्टर में थे बिट्स पिलानी, दैट इज बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस पिलानी राजस्थान, मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल कर्नाटक एंड द प्रपोज्ड जियो इंस्टीट्यूट ऑफ रिलायंस फाउंडेशन इन मुंबई महाराष्ट्र. तो ये 3 प्राइवेट एंड 3 पब्लिक इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस थे. अब इनके बेनिफिट्स क्या थे और एलिजिबिलिटी क्या थे इसको आप थोड़ा सा रीड करिएगा as a part of your background analysis, background analysis thing. The next article here is talking about the rupee, which is like in the downwards fashion, or ye rupee aise tumble down kar raha hai aur hum yahan par pareshan ho rahe hain, ek cliff se jo hai niche hi jata ja raha hai aur 75 rupee dollar pe yahan par rate jo hai ruk raha hai, jo ki pehle almost 65 hua karta tha. Yahan par agar hum government ko question kare, RBI ko question kare, unki sar pe talwar dale, to wo yahi kehte hain ki ye dekho international
मार्केट फोर्सेस की वजह से, डायनेमिक्स की वजह से रूपी सफ़र कर रहा है, जैसे कि इंक्रीजिंग ऑयल प्राइसेस, जो कि मिडल ईस्ट के वॉर की वजह से ऑयल प्राइसेस जो इंक्रीज़ हो रहे हैं, यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट पॉलिसी जो कि बढ़ाते और घटाते रहते हैं, इनकी वजह से ये प्रॉब्लम है, टर्मोइल इन द इंटरनेशनल करेंसीज में ये प्रॉब्लम है, प्लस अ लॉट ऑफ यू नो ट्रेड वॉर्स आर ऑल्सो हैपनिंग बिटवीन कंट्रीज, जिसकी वजह से पूरा का पूरा इंटरनेशनल मार्केट विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड एंड कॉमर्स डिस्टॉर्टेड है, जिसकी वजह से हमारा जो है करेंसी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है। तो यहाँ पर कुछ पॉलिसी मेजर्स, कुछ डिसीजंस गवर्नमेंट ने लिया, बैठ करके चर्चा हुई आरबीआई के लोगों के और फाइनेंस मिनिस्ट्री सब बैठ करके उन्होंने मीटिंग और सभा बुलाई, चाय और पकौड़े पे डिस्कशन हुआ और उन्होंने ये सारे कुछ पॉलिसीज लेकर आए, हेजिंग रिस्क फॉर एग्जांपल, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स को रेगुलेट करना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स को थोड़ा सा ईज ऑफ करना ताकि डॉलर्स हमारे कंट्री में इन्फिल्ट्रेट करें और जब हमारे कंट्री में ये चीज़ें बढ़ जाएंगी, सप्लाई बढ़ जाएगा, उसका डिमांड भी उतना ही रहेगा, सप्लाई बढ़ जाएगा तो प्राइसेस कम हो जाएंगे, यू नो, तो दैट्स वाई वी आर एनकरेजिंग दैट फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के नॉर्म्स थोड़ा सा ईज ऑफ हो जाए, लिमिट ऑन फॉरन इन्वेस्टमेंट्स इन कॉरपोरेट बॉन्ड्स या फिर नॉन असेंशियल इम्पोर्ट्स पे थोड़ा सा कम करें, इम्पोर्ट्स को हम थोड़ा सा कम करें, ये हम सोच रहे हैं, तो दैट्स वॉट दीज आर द मेजर्स, बट ये मेजर्स लेने के बावजूद भी अभी एक महीना हो गया, हमने कोई भी यू नो इम्प्रूवमेंट नहीं देखा वेन इट कम्स टू द एक्सचेंज रेट, प्लस नॉन असेंशियल कमोडिटीज़ का जो इम्पोर्ट है उस पर कहा है कि हम उस पर सैंक्शंस लगाएंगे, उनको डिफिकल्ट करेंगे एंड ऑल सॉर्ट ऑफ दैट। तो यहाँ पर वही आर्टिकल राइटर कह रहे हैं कि आपने अपने डिस्क्रिप्शन से अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को नॉन एसेंशियल और एसेंशियल का करार दे दिया, बल्कि इम्पोर्ट पे इतना ज़्यादा फोकस करने के बजाय आप एक्सपोर्ट हमारे कंट्री को इनकरेज करिए और इंक्रीज करिए, इस पर कोई बात नहीं करता। मतलब क्या मैं बताऊँ, मतलब पॉलिसीज प्लान्स एंड ये सब कौन, ये एडिटोरियल्स नहीं पढ़ते, आई मीन मुझे तो एडिटोरियल की भाषा इतनी अच्छी लगती है, एनकरेजिंग लगती है, दीज पीपल आर एक्चुअली थिंकिंग एवरीथिंग फ्रॉम अ वेरी न्यूअर पर्सपेक्टिव, वो फ्रेश ब्लड से ये सारी चीज़ें इवेलुएट करते हुए नजर आते हैं। आई रियली लाइक द वे यू नो द आर्टिकल राइटर्स हैव बीन पुटिंग फॉरवर्ड देयर आइडियाज एंड ऑल दैट। तो मुझे लगता है प्रशासन को, गवर्नमेंट पीपल को ना एडिटोरियल्स पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो गया आज के टाइम में। तो इन यूएस इंटरेस्ट रेट्स और ग्लोबल क्रूड प्राइसेस की वजह से ऑफकोर्स मार्केट डिस्टॉर्टेड है, प्लस एक टैक्स का पूरा यहाँ पर सिस्टम थोड़ा सा, आर्टिकल राइटर कह रहे हैं कि जब क्रूड ऑयल प्राइसेस सस्ते हुआ करते थे तब हम उस पर टैक्सेस बढ़ा देते थे और उससे हम रेवेन्यू जनरेट करते थे, हमारी कंट्री में ये एक रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स था, बट अब जब क्रूड ऑयल ऑलरेडी इतना महंगा आ रहा है हमें उस पर टैक्स कम करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी टैक्स लगा करके मार्केट में उसका प्राइस ऑलरेडी बढ़ जाएगा, तो उससे हमारा रेवेन्यू भी यू नो कहीं ना कहीं कम हो रहा है और फिस्कल डेफिसिट हमारा बढ़ जाएगा, तो हमारा डिपेंडेंसी ऑन फ्यूल टैक्स काफी था विच हैज ग्रोन इन दीज ईयर्स, हम आदि हो गए थे टैक्स का पैसा खाने के लिए जो हम इम्पोज कर रहे थे सस्ते क्रूड ऑयल पे, बट अब जब क्रूड ऑयल महंगा हो गया टैक्स हमें कम करना पड़ेगा तो रेवेन्यू ऑलरेडी हर्ट होगा, जिसकी वजह से अगेन करेंसी वगैरह यू नो सफर करेगी। तो ये सारे कुछ ग्राउंड रियलिटीज थे, सारे कुछ पॉइंटर्स थे आपके लिए फ्रॉम द डेप्रिसिएशन एरिया। द नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज टॉकिंग अबाउट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, हमारी कंट्री में सीवेज ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा मैनेज नहीं है, इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो कि लोकल लेक्स होती है जैसे वारथूर लेक्स या फिर बलुंदर लेक या फिर और भी ज़्यादा छोटी छोटी लेक्स जो कि एरिया में प्रेजेंट रहती हैं वो जाके कॉन्टैमिनेट हो जाती है, ग्राउंड वाटर कॉन्टैमिनेट हो जाता है, जिसकी वजह से एक गंदा सड़ा पानी, सीवेज का पानी खेतों में गिर रहा है, ग्राउंड वाटर में जा रहा है, कनाल्स में जा रहा है, इवन ड्रिंकिंग वाटर को भी नहीं छोड़ रहा है। तो इसी सब ग्राउंड रियलिटी पे कोलार डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से ये सारी रिपोर्ट्स आ रही है, ये सारी कंप्लेंट्स आ रही है कि यहाँ पर केसी वैली प्रोजेक्ट जो कि सीवेज ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा था और फिर एक फ्रेश वाटर प्रोवाइड कर रहा था खेतों में ड्रिंकिंग वाटर के लिए और भी पर्पसेस के लिए पानी प्रोवाइड वगैरह कर रहा था, तो इसके कुछ मैल फंक्शनिंग की वजह से सीवेज साफ नहीं हो पाया और गंदा पानी खेतों में चला गया, ग्राउंड वाटर में चला गया और इनके जो है ड्रिंकिंग वाटर पंप में भी आ गया, जो कि यहाँ पर लोग वहाँ के लोकल लोग इसको कंप्लेन कर रहे हैं। तो केसी वैली प्रोजेक्ट जिसका नाम रखा है कोरा मंगला चलाघट्टा वैली ड्रेनेज सिस्टम इन बैंगलोर, आई एम सो सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन इफ आई हैव एवर डन इट, बिकॉज थोड़ा सा साउथ इंडियन नेम्स थोड़े डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस होते हैं। तो ये मैन मेड रिजर्वॉयर टाइप का था, मैन मेड ट्रीटमेंट प्लांट था जिसको लगाया था, बट जिसके मैल फंक्शनिंग की वजह से वहाँ के लोकल लोग गंदा सड़ा पानी सूंघ रहे हैं एंड अब वो क्या करें, ना उनके पास और कोई ऑल्टरनेटिव है ना सोर्स है, और ये डिजीजेज का कितना बड़ा ग्राउंड हो सकता है आप ये सोचिए।
यहाँ पर नारा सा पूरा लेक भी यहाँ पर इसी के चंगुल में आए हुए, तो कैनाल इरिगेशन प्रोजेक्ट जिसकी वजह से हम इरिगेशन वगैरह करते हैं, खेतों में पानी वगैरह प्रोवाइड करते हैं, हमारी खुद की यूटिलिटी के लिए वो वाटर वगैरह यूज़ होता है, क्योंकि जो साउथ में रिवर्स हैं वो जो है सीजनल रिवर्स हैं, मतलब जब सीज़न आता है मानसून का तभी इनमें इतना ज़्यादा पानी होता है, अदरवाइज ऑल थ्रू आउट द ईयर इनमें पानी कम रहता है। हिमालयन रिवर्स जो है वो सीजनल नहीं है, वो पेरिनियल रिवर है, वो उनके उनके जो रिवर्स में सालों साल पानी रहता है, क्योंकि हिमालय से ग्लेशियर्स मेल्ट होकर के पानी उसमें आता रहता है। बट यहाँ पर रेनफॉल डिपेंडेंट रिवर्स हैं, जितनी भी गोदावरी हो गई या कृष्णा, कावेरी और पेरियार, ये सारे रेनफॉल ड्रिवन रिवर्स हैं, तो जिसकी वजह से सारे इरिगेशन कनाल्स हो गए या फिर जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी, इन्हीं सारे मैकेनिज्म से हम वाटर वगैरह मैनेज कर रहे थे इस पूरे एरिया में। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बनाने के लिए एक तो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज और ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कोर्ट से गुजरते हुए हमें जाना होता है, ऑलरेडी काफ़ी डिले हो जाता है ऐसे इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने के लिए, और डिले होने के बाद जब ये ऑलरेडी वास्तविकता में अपना कदम रखते हैं तो इनके मशीनरी फेलियर की वजह से इनका जितना हमें जो है ना फ़ायदा होना चाहिए और नुकसान होता हुआ चला आता है। तो वहाँ के लोग यही कह रहे हैं कि आर वी थर्ड क्लास citizens that should be fed treated sewage while industries in Bengaluru are enjoying fresh Kaveri water, क्या हम third class citizens है just because हम जो है बैंगलोर जैसी developed city का part नहीं है, कोलार जैसे छोटे से village में रह रहे हैं, तो क्या हमें जो है आप entitled करेंगे कि हम ऐसा पानी पिए और ऐसा पानी बर्दाश्त करें। एंड ऑल्सो यहाँ पर कुछ सीवेज ट्रीटमेंट के कुछ स्टेप्स पर बात हुई, तो पहला स्टेप होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट जिसमें हम फिल्टर आउट करते हैं फ्लोटिंग पार्टिकल्स वगैरह, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम और ज़्यादा फिल्ट्रेशन करते हैं, फिर जाके टर्शरी ट्रीटमेंट में जहाँ पर और भी ज़्यादा छोटे माइक्रो एलिमेंट्स हम एलिमिनेट करते हैं जैसे कि नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स, तब जाके वो वाटर इवन अगर इसको अच्छे लेवल पे करें तो सिंगापुर जैसे कंट्रीज उसको ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर लेती, तो इससे जो है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट भी हो जाता है एंड ऑल सॉर्ट ऑफ दैट। बट अभी इंडिया अभी उस लेवल के डेवलपमेंट पर आया नहीं है, तो सिक्स हैवी मेटल्स जो है बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन इंक्रीज रहता है एंड इट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, कैडमियम, लेड, लेड तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, ये ग्राउंड वाटर को जाकर के कॉन्टामिनेट और भी ज्यादा यू नो लेवल पे करती है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स और इन सब की वजह से आर्टिफिशियल तरीके से जिससे हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं सॉइल में कुछ एडिटिव्स डालते हैं उसकी वजह से लेड का भी इंक्रीज काफी ज्यादा हो जाता है। तो ये है वो फेमस केसी वैली प्रोजेक्ट जिसको जिसके उद्घाटन पे बहुत लोग खुश तो हुए थे कि चलो पानी की समस्या खत्म हो जाएगी, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हो जाएगा, बट इसके डिसफंक्शनलिंग की वजह से बहुत सारे लोग अभी क्रोध में गुस्सा में हैं इन द कोलार डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये कहां पर है थोड़ा सा आप मैप में देख लीजिए, यहां पर है, ये पूरे थोड़ी इमेजेस हैं आपके लिए फॉर यू टू चेक। आज है सैटरडे और सैटरडे से मैं शुरू करी, देखिए मंडे को मैं एक आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दूंगी अराउंड 250 टू 300 वर्ड्स का जो कि थोड़ा सा जीएस रिलेटेड होगा एंड करंट अफेयर रिलेटेड होगा, एंड सैटरडे को मैं आपको एक ऐसे टॉपिक दूंगी जिसपे आपको 1000 वर्ड्स लिखना होगे, आपको फ्रीडम है, क्रिएटिविटी की फ्रीडम है, बहुत सारे यू नो पॉइंट्स इंक्लूड करने की इन एवरीथिंग। तो ए पॉलिटिकल एजुकेशन सिस्टम पे आप क्या यू नो आपके क्या व्यूज़ हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, हमारी कंट्री में करंट सिनेरियो क्या है व्हेन इट कम्स टू यूजीसी एंड इवन एचईसीआई करके एक एक प्रपोज्ड आइडिया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इन सारे में आप मुझे बताएगा, प्लस वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, कैसे हम एजुकेशन सेक्टर से पॉलिटिक्स को दूर कर सकते हैं। तो ए पॉलिटिकल एजुकेशन इज समथिंग वी हैव टू एनकरेज इन आर कंट्री, तो थोड़ा सा कोशिश करिएगा, कोशिश करके आप लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के, आप फेसबुक पेज पे जब मैं पीडीएफ वगैरह अपलोड करती हूँ उसके कमेंट सेक्शन में आप ये सब चीजें पोस्ट कर सकते हैं, आप आपस में एक दूसरे का चेक कर सकते हैं, दैट्स हाउ यू कैन लाइक डू इट। मिक्सचर बोल के तहत द फर्स्ट आर्टिकल हियर इज एक्चुअली अ वेरी डिस्टर्बिंग बात, यहां पर एक फ्लाइट जो थी जो कि टेक ऑफ हुई थी जो है ऑलमोस्ट टेक ऑफ हुई थी फ्रॉम द तिरुचि एयरपोर्ट और वो जा रही थी दुबई, तिरुचि एयरपोर्ट से जा रही थी दुबई और बीच में वो मुंबई में उसको रीडायरेक्ट कर दिया क्योंकि फ्लाइट जब टेक ऑफ करी तो वो एयरपोर्ट बाउंड्री पे हिट कर गई और वह बाउंड्री ऐसे टूट गई और जब हिट कर गई तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल पायलट्स को कह रहा है कि ठीक है आप वापस आ जाइए, तो पायलट्स उसको काउंटर आर्ग्यू करे कि नहीं नहीं फ्लाइट पे तो सारे फंक्शंस नॉर्मल है एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। तो जब उन्होंने जाकर के उस एरिया को इंस्पेक्शन करा तिरुचि एयरपोर्ट वालों ने तो उनको काफ़ी ज़्यादा डेब्रिस दिखाई दिया एयरक्राफ्ट का बाउंड्री का, तो फिर फ्लाइट को जो है डाइवर्ट
करा गया। यहाँ पर देखिए फ्लाइट ऐसे दुबई की तरफ जाए तो इसको डाइवर्ट करके मुंबई में उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। तो एयर सेफ्टी, एयर रेगुलेशन, DGCA इज द अथॉरिटी जो इस चीज़ पे रूल्स बना सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, तो इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आई मीन ऐसे इंस्टेंसेस आएंगे तो इवन यू विल बी स्केयर टू एक्चुअली बोर्ड अ फ्लाइट एंड ऑल दैट। मी टू कैंपेन के तहत यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मेनका गांधी, शी इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ दैट मिनिस्ट्री, एंड देन वो कह रही है कि इस पर कार्रवाई होगी, जो कुछ जेन्युइन केसेज है उस पर कार्रवाई ज़रूर होगी, इन आवाज़ों को हम दबने नहीं देंगे, औरतों के एम्पावरमेंट पर हम रूल्स एंड रेगुलेशन ज़रूर बनाएंगे। अब यहाँ पर GDP नॉर्म्स को थोड़ा सा रिवाइज करने की बात हो रही है, इस पर फ्लश होने वाले एडिटोरियल्स आई फील दैट कि GDP नॉर्म्स को थोड़ा सा रिवाइज करने की बात हो रही है कि कैसे हम अपनी कंट्री में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जैसी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, इसका थोड़ा सा रिविजन हो रहा है, उस पूरे मेथड को ही हम रिवाइज करेंगे एंड डेवलप्ड इकोनॉमी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम सीखेंगे। यहाँ पर राइनोसॉरस की एक बड़ी क्यूट सी पिक्चर है, इसमें बहुत सारी बर्ड्स बैठ के चिल आउट कर रही हैं एंड ये काजीरंगा नेशनल पार्क से ली गई ये तस्वीर है, तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डिपिक्शन ऑफ दिस। एंड काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है ये आप जाके थोड़ा सा लोकेट करिएगा। बैकग्राउंड एनालिसिस क्वेश्चंस में NRC डेटा रो क्या है, एक दो लाइन में आप मुझे बताएगा। मेजर ट्राइब्स ऑफ त्रिपुरा कौन कौन सी हैं ये आप मुझे बताएगा। MCQ में काफ़ी बार ये पूछ लिया जाता है मैच द फॉलोइंग में। लेफ्ट एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र आप मुझे बताएगा। 2 साल से कंसेक्यूटिवली UPSC प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनते हुए आ रहे हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिब्यूटरीज देखिएगा कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कैसे वो मिल रही है ब्रह्मपुत्र में, थोड़ा सा आप जाकर के देखिएगा और मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि एक प्रपोज्ड आइडिया है, इसके बारे में आप मुझे थोड़ा बताइएगा। GDP कैलकुलेशन कैसे करा जाता है हमारे कंट्री में, प्लस हमारे करंट फिगर्स क्या है ये आप मुझे बताइएगा। GDP और GNP में डिफरेंस क्या है ये आप मुझे बताइएगा। वोकैबलरी वर्ड्स फॉर यू, फ्रॉट मतलब अ सिचुएशन और कोर्स ऑफ एक्शन फिल्ड विद समथिंग अनडिजायरेबल मतलब भरा हुआ होना। एंटीसीडेंट अ थिंग दैट हैज एग्जिस्टेड बिफोर मतलब पिछला। लेजिटिमेसी कन्फर्मिटी टू द लॉ और रूल्स मतलब जायज। कॉग्निसेंट हैविंग नॉलेज और अवेयरनेस जानकारी। निम्बल क्विक एंड लाइट मूवमेंट और एक्शन चतुरता दिखाना। थ्वार्टेड प्रिवेंट समवन फ्रॉम अकम्पलिशिंग समथिंग नाकाम होना। आज मैप प्रैक्टिस का क्वेश्चन लेंगे, आप बैठ करके पुराने अफ्रीकन कंट्रीज जो कि हम कर चुके हैं उनके फिजिकल डिविजन्स हम कर चुके हैं, प्लीज़ बैठ करके इसको रिवाइज करिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉलेज टू गेट कंसोलिडेटेड इन योर मेमोरी, क्योंकि तभी आप उसको इफेक्टिवली रिकॉल कर पाएंगे अपने फाइनल एग्जाम में। टुवर्ड्स द एंड आई वुड से स्टे ट्यून टू पेंसिल बॉक्स एजुकेशन फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स, एंड डू चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप की हो, फेसबुक पेज की हो, वहाँ मैं अपडेट्स करती रहती हूँ। मेरी फेसबुक प्रोफाइल और इंस्टाग्राम लिंक्स भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। Do give this video a big thumbs up if you really like my energy, my content, my way of delivering knowledge to you. Please, यही एक सिर्फ गुरु दक्षिणा है जो मैं आपसे चाहती हूँ। मैं बहुत खुश होती हूँ when I see the, immense cooperation, number, appreciation and everything. And I'm very, very actively noting everything. Thanks a lot for being a patient listener. Do your background analysis questions daily. Be happy, stay positive, spread a love. That's the most important thing. Signing off from Pencil Box Education, Jai Hind, and have a lovely weekend. Thank you for watching.